आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल खिचड़ी। इसमें हम सब्जियाँ भी ऐड करेंगे, जिस वजह से ये और भी हेल्दी बनेगी। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। दाल खिचड़ी बनाने के लिए एक बर्तन में हम एक कप मूंग की दाल ले लेंगे। आप चाहें तो इसमें धुली मूंग की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम बराबर मात्रा में चावल ले लेंगे। चावल आप इसमें छोटी वाली इस्तेमाल करें, इससे खिचड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने एक कप चावल और एक कप दाल लिया है। चावल और दाल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसे हमेशा बराबर मात्रा में ही रखती हूँ। अब हम इसे पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। इसे भिगो के नहीं रखें, बस पानी से अच्छे से धो लें। तो यहाँ पर मैंने चावल और दाल को पानी से अच्छे से धो लिया है। अब चलते हैं खिचड़ी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके प्रेशर कुकर गरम किया है। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे। तेल में हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी और 1 छोटा चम्मच जीरा। धीमी आंच पर इन सबको हल्का भून लेंगे। जैसे ही जीरा वगैरह हल्के पक जाए, हम इसमें डाल देंगे सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ पहले से काट के रखी है। तो सब्जियों में मैं ले रही हूँ गाजर और टमाटर। पहले हम गाजर को मीडियम फ्लेम पर हल्का भून लेंगे 1 से 2 मिनट। सब्जियाँ इसमें आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है आप वो डालें, और जो सब्ज़ी नहीं पसंद है उसे नहीं इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप गाजर और 1/3 कप टमाटर लिया है। यहाँ पर मुझे गाजर को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम 2 मिनट सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, सब्ज़ियाँ इसमें आप अपनी पसंद की ऐड करें। खिचड़ी बहुत ही हेल्दी होती है, तो सब्ज़ियाँ यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। सब्ज़ियों को हमें प्रेशर कुकर में पकाना ही है, तो इसे ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे टमाटर को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल और दाल जो हमने पहले से धो के रखा है। इसे भिगो के नहीं रखें। तो ये मैंने चावल और दाल कुकर में डाल दिया है। चावल और दाल डालने के बाद हम एक बार ऐसे हाई फ्लेम पर सेक लेंगे। इससे खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस हमने इसे 10 से 15 सेकंड के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने जितना चावल और दाल लिया है उसका 3 गुना पानी इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पर 1 कप चावल और 1 कप दाल, टोटल 2 कप, उसका 3 गुना हम पानी इस्तेमाल करेंगे, मतलब 6 कप हम पानी डालेंगे। यदि आपको गाढ़ी खिचड़ी पसंद है तो पानी जो है 5 कप ही डालें। 3 गुना पानी डालने के बाद भी आपको पकने के बाद लग रहा है कि खिचड़ी गाढ़ी है, तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसके कंसिस्टेंसी को पतला कर सकते हैं। मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच घी डालेंगे। इससे खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। मिला दें इन सबको अच्छे से। यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि पानी ज़्यादा है, लेकिन पानी इसमें एकदम परफेक्ट है। जब भी आप खिचड़ी बनाएं तो चावल और दाल की मात्रा बराबर रखें और उसका 3 गुना पानी ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। 1 से ज़्यादा सीटी नहीं लगाएं, नहीं तो खिचड़ी ओवर कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर कुकर में 1 सीटी आ चुकी है। गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा हो जाने देंगे। थोड़ी देर बाद जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया हो, तब हम सावधानी से कुकर का ढक्कन हटाएंगे। और ये देखिए, खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। ऊपर से पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो 3 गुना पानी में खिचड़ी एकदम परफेक्ट बनती है, जैसे हमें खाने के लिए चाहिए। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी खिचड़ी बनके तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म अचार, पापड़ और घी के साथ सर्व करें। तो ये तो हुई हमारी नॉर्मल खिचड़ी जो हमने हेल्दी तरीके से बनाई है। लेकिन यदि आप मसाले वाली या तड़के वाली खिचड़ी पसंद करते हैं, तो कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जैसे ही तेल हल्का गरम हो जाए, हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ बारीक कटी हुई लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जैसे ही ये हल्के फ्राई हो जाए, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और जब तेल हल्का गर्म रह जाए, तब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ध्यान रहे कि जब तेल गर्म हो तब आप इसमें मसाले नहीं डालें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो ये हमारा तड़का तैयार है।
इसे खिचड़ी में डाल देंगे और ये हमारी तड़के वाली खिचड़ी बनके तैयार है। तड़का इसमें ऑप्शनल है, यदि आपको प्लेन हेल्दी वाली खिचड़ी खानी है तो आप इसमें तड़का नहीं लगाएं, और यदि आपको तड़के वाली पसंद है तो आप इस तरीके से तड़का बना के इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारी तड़के वाली दाल खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस मिलें।